Hey, how are you doing? How are you? So I'm doing well. I'm doing fine. So you must be doing your work every according to your schedule. According to your schedule, जो भी आप बोलो schedule या schedule, तो मेरे according schedule होता है और याद ध्यान रखें. तो ये हो गया एसेंट की बात. वो स्पोकन इंग्लिश का रिलेटेड है. रिटर्न में आपको क्या करना होता है, आपको रूट वर्ड पता होना चाहिए. रूट वर्ड एक स्पेसिफिक चीज़ होगी. रूट वर्ड का आपको टॉपिक देंगे कि इसका रूट वर्ड बनाओ. आपको ये कहेंगे कि जो भी ये वर्ड है इसकी प्रोफाइल क्या है, जो भी वर्ड दे दिया आपको वो है क्या, है ना. तो वो आपको कैसे पता चलेगा, उसके अंदर जो रूट होगा उससे कनेक्ट होगा, तब आपको पता चलेगा कि अरे ये वाली चीज़ है क्या. तो वही चीज़ हम सीखने वाले हैं. तो गाइस स्टार्ट करते हैं. और आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो है ओमनी. ओके, क्या है ओमनी. ओके, आज का वर्ड क्या है हमारा ओमनी. और हम सीखने वाले हैं इससे रिलेटेड, इससे जो भी जुड़े हुए वर्ड हैं वो आज हम सीखने वाले हैं. ओके, पहला वर्ड है हमारा ओमनीप्रेजेंट. ओमनीप्रेजेंट. ओके, ओमनीप्रेजेंट का मतलब क्या होता है. देखो, ओमनी का मतलब होता है एवरी और प्रेजेंट का मतलब उपस्थित. तो क्या हुआ इसका मतलब, बता सकता है कोई. दिस इज ओमनीप्रेजेंट थिंग. इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी चीज जो सभी जगह उपस्थित हो. जैसे हम बोलते ना सर्वव्यापी, सब जगह उपस्थित हो वो, तो ओमनीप्रेजेंट का मतलब वो हो गया. समझ में आया. तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव. जैसे गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, मतलब भगवान सर्वव्यापी है, सभी जगह उपस्थित रहते हैं. ओके, तो ओमनीप्रेजेंट का मतलब हो गया सर्वव्यापी. या फिर हम ऐसे बोल रहे हैं वन हु एवरीवेयर. ओके, इसका मतलब हो गया 100%. नेक्स्ट वर्ड है, ये एडजेक्टिव मैंने बता दिया आपको. नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओमनीसिएंट. ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट का मतलब क्या होता है. तो मैंने अभी जस्ट आपको कहा है कि अगर हम रूट वर्ड को पकड़ लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेते हैं, तो उससे हमें पूरे वर्ड की प्रोफाइल पता चल जाती है, या फिर वर्ड के बारे में तो हमें कम से कम पता चल जाता है. प्रोफाइल थोड़ी नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि हाँ इसकी प्रोफाइल क्या है, लेकिन ये चीज़ जरूर है कि उससे कनेक्टेड चीज़ आपको पता चल जाती है. ठीक है, तो यहाँ देखो ये एस सी आई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो एस सी आई, इसका मतलब होता है नॉलेज. नॉलेज, ठीक है. तो नॉलेज ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट का मतलब ये हो गया जिसको हर चीज की नॉलेज हो. आई समझ में, जिसको हर चीज की नॉलेज हो उसे हम बोलते हैं ओमनीसिएंट. साथ में हम ऐसे जोड़े ओमनीसिएंट पर्सन, इसका मतलब वो पर्सन जिसको हर एक चीज का नॉलेज है. ठीक है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया. और ओमनीसिएंट का मतलब क्या हो गया, सर्वज्ञ. और सर्व पर हम देखें वन हु हैज नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास हर चीज की नॉलेज हो उसे ओमनीसिएंट बोलते हैं. आया समझ में. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ओमनीसिएंट एक हो गया ओमनी. Competent का मतलब क्या होता है, जो मतलब कुशल हो किसी चीज में, कुशल हो उसे बोलते हैं competent. बोलते ना एग्जाम देने में वो competent है. competent यानी कि वो उस चीज में कुशल है, उसको वो चीजें मालूम है, किसी मतलब किसी चीज को वो आसानी से समझ सकता है. competent हो गया वो. ठीक है, एंड इसका मतलब क्या, ओमनी का मतलब पता ही, तो कॉम्पिटेंट का मतलब हो गया कुशल. तो कुशल का मतलब ये हो गया, एक सेकेंड, वन हु कैन हैंडल एवरी सिचुएशन.
ओके ओमनी कॉम्पिटेंट, तो कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है कि कुशल है ना, वो कुशल है, कुशलता से अपने काम कर सकता है किसी भी जगह है ना, किसी भी जगह मतलब एक पर्टिकुलर अगर फील्ड में है तो उसमें कुशल है, उसमें कॉम्पिटेंट है। लेकिन ओमनी कॉम्पिटेंट का मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो हर कंडीशन को आराम से हैंडल कर सके, तो उसको बोलते हैं हम ओमनी कॉम्पिटेंट। और ये क्या हो गया, ये भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वही होता है जिसमें विशेषताएं होती है। ओके ये हो गया ओमनी कॉम्पिटेंट, वन हु कैन हैंडल एवरी सिचुएशन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि हर सिचुएशन को हैंडल कर सके, उसको हम बोलते हैं ओमनी कॉम्पिटेंट, यानी कि सर्वकुशल हम बोल सकते हैं। ये तो वर्ड हो गया, बाकी सारी बातें मैं आपको पता चल गया है। सर्वकुशल या फिर हम इसको बोलेंगे सर्व कार्यक्षम। तो ये हिंदी थोड़ी सी कठिन है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि हर सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकता है, ओमनी कॉम्पिटेंट होता है। बाकी सर्वकुशल बोल सकते हैं, सर्व कार्यक्षम बोल सकते हैं। अब हम बोलते हैं नया वर्ड लेते हैं, नया वर्ड है हमारा वो है ओमनीपोटेंट। क्या है ओमनीपोटेंट? अब ओमनीपोटेंट क्या हुआ है, पोटेंट देखो यहां पर POTENT है, इसका मतलब होता है पोटेंशियल, ठीक है पोटेंशियल, ठीक है यानी कि शक्तिशाली, मतलब वो पोटेंशियल है उसको उस चीज को करने का है ना, उसमें इतनी तो शक्ति है कि उस कंडीशन को सॉल्व कर सकता है। लेकिन ओमनीपोटेंट का मतलब क्या हो गया कि वो सर्वशक्तिमान है, मतलब उस हर मतलब किसी भी कंडीशन को वो हैंडल कर सकता है, उसको तो हमने बताया ओमनी कॉम्पिटेंट। लेकिन किसी भी चीज से लड़ सकता है उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंशियल पोटेंट, और जो कि हर एक पोटेंशियल रखता है, हर एक चीज की शक्ति रखता है, ठीक है उसको हम बोलते हैं ओमनीपोटेंट, यानी कि सर्वशक्तिमान। क्या बोलते हैं सर्वशक्तिमान, हाय समझ गए। और नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, ओमनीवोर। ओमनीवोर क्या होता है, ठीक है तो ओमनीवोर क्या होता है, उससे पहले मैं सर्वोपर बता देता हूँ। पहली चीज ओमनी कॉम्पिटेंट ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखें। और ओमनीवोर का मतलब होता है, देखो वोर का मतलब होता है, यह मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। ओमनीवोर का मतलब होता है ईट खाना। देखो ओमनीवोर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो हर एक चीज को खाता है, उसको हम बोलते हैं ओमनीवोर, ठीक है। अब कनेक्ट करते हैं हम इसको यहाँ से, ओमनीवोर से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं उनको कनेक्ट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि वोर का मतलब होता है ईट। पहला हो गया यहाँ पर हर्बीवोर एंड जो आपको ऑलरेडी पता है, हमने काफी बार सुना भी है लेकिन थोड़ी सी इंग्लिश मालूम हो तो हमें पता चल जाए चीजें, है ना। कार्निवोर एंड ओमनीवोर एंड यहाँ और बताऊ मैं डिवोर एंड सेवोर, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं ओमनीवोर का मतलब क्या होता है, ओमनीवोर की वो सब चीज खाता हूं। पहले यहाँ आ जाते हैं हम, ओमनीवोर को छोड़ते हैं, पहले यहाँ आते हैं, ये हो गया कहानी सी ए हर्बीवोर। और यहाँ पे हर्ब का मतलब हो गया हर्बल क्या होता है, वनस्पति है ना, वनस्पति यानी कि ऐसे ऐसे खाना जो एक शाकाहारी लोग खाता है, तो हर्बीवोर वो है जो शाकाहारी है, इसका मतलब समझ में। ये है हर्बीवोर, ठीक है। नेक्स्ट है कार्निवोर,
कार्निवोर का मतलब ये हुआ जो कि फ्लैश खाता हो। फ्लैश का मतलब आप सभी को होता है क्या? मांस। ठीक है, जो मांस खाता है उसे हम बोलते हैं कार्निवोर। ऐसा नहीं, वो क्या हो गया? मांसाहारी। एंड ओमनिवोर जो सब कुछ खाता है, ओमनी का मतलब होता है एवरी, तो ये हो गया सर्वाहारी। ये क्यों गया? ये क्या हो गया? ये हो गया सर्वाहारी। ओके, तो देखो यहाँ पर हमने ओमनी पढ़ा है और ओमनी में मैंने काफी चीजें बताई होगी आपको, जैसे कॉम्पिटेंट हो गया, SCI हो गया, इसका मतलब नॉलेज होता है। उसी प्रकार से वर्ड से रिलेटेड ये सारे वर्ड देखो, ओमनिवोर हो गया, कार्निवोर हो गया, हर्बी हो गया, हर्बी अभी हर्बल से जुड़ गया। तो एक एक रूट वर्ड से क्या होता है कि काफी वर्ड निकल जाते हैं, जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं, अगर इसको काटी तो फिर वो अलग से वापस निकलती है, फिर उसकी अलग से डालियां बनती है, डालियां फिर बाद में वापस तना बन जाती है, तना बनते हुए फिर वो वापस बहुत सारी डालियां मिलता है। तो व्हाट डज मीन, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टेलिंग यू दैट कि एक वर्ड से उसके छोटे छोटे रूट वर्ड को अगर हम पकड़ते हैं तो उससे काफी मीनिंग प्रॉब्लम आती है। जैसे वर्ड से हम गए, ठीक है, तो ये वो से रिलेटेड वर्ड हो गए, तो यहाँ गए हर्बल, ठीक है, और फिर बाद में जो हर्बल है ना, हर्बेलेबल, ठीक है, वनस्पति हो गया, तो ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है। लेकिन इसी प्रकार से हम किसी चीज को बनाते हैं, ओमनिसिएंट में से SCI हमने उठा लिया, तो इसका मतलब नॉलेज होता है। अब उसी प्रकार से नॉलेज के आगे मैंने जोड़ दिया, नॉलेज आगे मैं याद कर देता हूँ एबल, ठीक है, हो जाए नॉलेजेबल, तो चीजें कनेक्ट होती है, आया समझ में। और नेक्स्ट हम देखते हैं डीवोर, इसका मतलब क्या होता है? डीवोर का मतलब होता है डीवोर से, वो डीवोर डी से याद रखो और इसको एस से याद रखो। डीवोर का मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसा व्यक्ति जो खाना देखते ही मतलब उस पर छलांग मार दी, मतलब काफी हाईली एक्साइटेड फॉर द फूड, मतलब जंप लगा दिया उसने, ठीक है, तो वो हो गया डिवोर का मतलब एक्साइटेड फॉर फूड। यहां पर मैं लिखूंगा एक्सट्रीमली एक्साइटेड, ताकि थोड़ा एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर फूड, एक्सट्रीमली एक्साइटेड कम लोग, बहुत ही एक्साइटेड मतलब डायरेक्ट अपन बोलते हैं झपट जाना किसी चीज पर, तो वो ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्ट फूड पर झपट जाता है उसको बोलते हैं डिवोर, ठीक है, डिवोर। और ये क्या है, ध्यान रखना ये वर्ब है डिवोर करना। और सेवोर का मतलब होता है कि खाने को खाना है पर स्वाद ले लेके खाना है, होता है ना कि मतलब स्वाद ले लेके खा रहे हैं किसी को, वाह इसमें तो मतलब अपने खाली लून मिर्च का एकदम अच्छा मिश्रण करके डाला है, वाह आपने तो मतलब अदरक का फिर इस्तेमाल किया है, इलायची डाल रखी है, वाह अच्छा, मतलब स्वाद लेने के खाना, बहुत धीरे धीरे खाना, आया समझे, हाईली स्लोली खाना, मतलब स्वाद लेकर खाना। स्वाद लेकर वेरी स्लोली टू ईट, इसका मतलब ये हुआ कि स्वाद लेकर खाना और वेरी स्लोली, स्लोली मतलब धीरे, वेरी स्लोली बहुत धीरे धीरे खाना, वाह तो वो स्वाद लेकर खाना, ठीक है। तो आया उनमें ओमनिवोर सर्वाहारी, कार्निवोर मांसाहारी, हर्बीवोर शाकाहारी, चीजें कनेक्ट हुई है, और डीवोर यानी कि जो अलग डायरेक्शन में, एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर फूड, और सेवोर इसका मतलब हो गया स्वाद लेकर वेरी स्लोली यानी कि स्वाद लेकर बहुत धीरे धीरे खाना, ओके। और ओमनिवोर हमने आपको पता चल गया सर्वाहारी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, और ये है और मैं इसको ये नाउन, और इसके आगे मैं जोड़ दूं ऐसे लिख दूं मैं ओमनिवोरस, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, इसका मतलब हो जाएगा ऐसा मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि ही इज ओमनिवोरस पर्सन, तो इसका मतलब ये वो व्यक्ति है जो मांस खाता है, मतलब सभी सभी चीजें खाता है, ओमनिवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, इस प्रकार से काफी वर्ड हम जोड़ के बना सकते हैं। सो गाइस आज के इस लेसन में हमने काफी वर्ड सीखे हैं, गिनेंगे तो मतलब कम से कम 10 से ज्यादा ही हैं, 1 2 3 and 4 5 6 7 8 9 10 11, बाकी और जोड़ दे तो काफी सारे वर्ड हो जाएंगे ना।
तो गाइस इसी प्रकार से वर्ड सीखने हैं, कनेक्ट टू कनेक्ट, कनेक्ट टू कनेक्ट, वर्ड कनेक्ट करने हैं, तो क्या कर इधर ठीक है। और इस प्रकार से सीखते रहेंगे तो ही हमारे लिए यूजेबल होगा, और ये चीज़ इनको रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं दिख गया तो कनेक्ट होना चाहिए, यूँ कनेक्ट होना चाहिए। ओ ओमनिवर्स, इसका मतलब तो सुना हुआ है, ओमनिवर्स जो सभी चीज़ को खाता है, लेकिन ये क्या है, ये है एडजेक्टिव है। ओमनिवोर ये तो नाउन है, डिवोर ये तो वर्ब है, सेवोर ये भी वर्ब है, ओके ओमनिपोटेंट ये एडजेक्टिव है। ये चीज़ आपको कनेक्ट होनी चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, हो सकता है रूट वर्ड लेकर ही मिले, और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, रूट वर्ड आपको मिलते रहेंगे और जो आपकी डिमांड है वो मिलते रहेंगे, और इंग्लिश से रिलेटेड जो भी डिमांड है, जैसे स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड जो भी डिमांड है, रिटर्न से रिलेटेड, स्कूलिंग जो भी होती है उसमें जो भी ग्रामर इंग्लिश आती है उससे रिलेटेड जो भी डिमांड है आप बोल सकते हैं। सो इस वीडियो में यही हम क्या बोलते हैं, वी शुड स्टॉप टू गो, सो आई शुड गो, सो थैंक सो मच, मिलते हैं।